बहुत वर्षों से LIC एडवाइजर्स जिस प्रकार के एक चाइल्ड प्लान की डिमांड कर रही थी, वैसे ही एक बहुत ही अच्छी चाइल्ड प्लान LIC ने लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है LIC का अमृत बाल, टेबल नंबर 874। इसकी कुछ खास बातें जो अन्य प्लान से अलग हैं, उस पर सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो विशेषता इसके अंदर है, प्रीमियम पेइंग टर्म शॉर्ट है, लिमिटेड पेइंग टर्म है 5, 6 और 7 ईयर्स, जो कि आज हर व्यक्ति चाहता है कि लिमिटेड प्रीमियम हो, कम समय के लिए प्रीमियम पे करें। तो इसमें कम समय के लिए प्रीमियम पे करने का ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस इसमें उपलब्ध हैं, 5, 6 और 7 ईयर्स। और साथ ही टर्म इसमें भी बहुत कम है, 10 से स्टार्ट है, 10 से लेकर 25 तक का कोई भी टर्म इसमें चूज किया जा सकता है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि बच्चे की उम्र जब 18 वर्ष हो जाएगी तब इसमें मैच्योरिटी प्राप्त किया जा सकता है, जो कि बच्चे के किसी भी काम में, चाहे वो उसकी पढ़ाई में हो, हायर एजुकेशन में हो। और यदि 25 ईयर्स का टर्म लेते हैं तो किसी बच्ची की शादी या लड़के की शादी के लिए भी इसको लिया जा सकता है। तो ये बहुत ही बेस्ट प्लान है। साथ में चूंकि ये चाइल्ड प्लान है तो PWB का भी ऑप्शन इसमें उपलब्ध है, और PWB लेने पर ये प्लान और भी सुंदर बन जाता है। वहीं सिंगल प्रीमियम की बात करें तो एक बार प्रीमियम देने के बाद इसमें 5 ईयर्स का टर्म लिया जा सकता है, यानी 5 ईयर्स के बाद वो मैच्योरिटी प्राप्त कर सकता है, और मैक्सिमम 25 ईयर्स तक वो मैच्योरिटी प्राप्त कर सकता है। और गारंटेड एडिशन है, जितना लॉन्ग टर्म जाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा, लेकिन मिनिमम 5 ईयर्स में भी इसमें मैच्योरिटी ली जा सकती है, जो कि बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और अभी तक 5 ईयर्स का कोई प्लान LIC के पास थी नहीं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये LIC के सबसे ज़्यादा सेल होने वाले प्लान्स में शामिल हो जाएगी। साथ ही इसमें और एक विशेषता यह है कि पेड अप पॉलिसी में भी इसमें गारंटेड एडिशन एड होंगे, यानी कि यदि कोई पॉलिसी 2 वर्ष के चलाकर छोड़ देता है, 3 वर्ष या 4 वर्ष चलाकर छोड़ देता है, तो उस अवस्था में भी इस पॉलिसी में बेनिफिट उसके ऐड होते जाएंगे, और जितने लॉन्ग टर्म के बाद इस पॉलिसी को वो विड्रॉ करेंगे यानी सरेंडर करेंगे, तो वो बेनिफिट उसके पॉलिसी के साथ यानी उसके प्रीमियम के साथ जोड़कर वो बेनिफिट उसको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पेडअप वैल्यू में भी इसमें गारंटेड एडिशन ऐड होगी, जो कि ये एक यूनिक ऑप्शन है, अभी तक इस तरह के ऑप्शन थे नहीं। साथ ही इसमें एक और यूनिक ऑप्शन दिया गया है फीमेल लाइफ पर, यानी फीमेल चाइल्ड की पॉलिसी यदि आप लेते हैं और उसकी पढ़ाई के लिए बाद में आप लोन लेना चाहते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट भी घटेंगे, कम लगेंगे उस पर। तो ये कुछ यूनिक डिटेल्स हो गए इसके, जो इस पॉलिसी के लिए खास हैं। अब इसके बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं कि इस प्लान के बेसिक डिटेल्स क्या हैं। 30 डेज से लेकर 13 वर्ष के बच्चों तक को यह पॉलिसी दी जा सकती है, यानी कि मिनिमम एज एट एंट्री 30 डेज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 13 इयर्स होनी चाहिए। इसके बीच के किसी भी बच्चे को ये पॉलिसी दे सकते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड प्लान है इस कारण ये एज रेस्ट्रिक्शन रखी गई है। मिनिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी आप 1 वर्ष के बच्चे को यदि आप यह प्लान देते हैं तो उसको आपको टर्म 17 ईयर्स देना होगा, क्योंकि 18 वर्ष में मैच्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन यदि आप 13 वर्ष के बच्चों को यह देते हैं तो आप 10 ईयर्स का टर्म ले सकते हैं, तो 13, 10, 23 हो जाएगी, इस प्रकार से उसकी मैच्योरिटी 23 वर्ष पर होगी। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है कि मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 25 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आप अगर 13 वर्ष के बच्चे को देते हैं तो आप मैक्सिमम टर्म 12 ही दे सकते हैं, क्योंकि 13 और 12 मिलकर 25 वर्ष हो जाएगा, उसको आप 13 या 14 वर्ष का टर्म नहीं दे सकेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 25 ईयर्स है। लेकिन वहीं आप अगर 2 वर्ष के बच्चे को देते हैं तो आप फिर उसका मैच्योरिटी एज 25 होने के लिए 25 में से आप 2 माइनस करिए 23 का टर्म दे सकते हैं, यानी 2 वर्ष के बच्चे को आप 23 का टर्म देंगे तो 25 वर्ष पर मैच्योरिटी होगी, लेकिन फिर आप उसको 24 या 25 का टर्म नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो 25 से अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम पॉलिसी टर्म इसमें 10 ईयर्स है लिमिटेड प्रीमियम के लिए, यानी जो आप रेगुलर प्रीमियम देंगे 5, 6 और 7 ईयर्स के लिए उसका टर्म 10 ईयर्स होगा, और सिंगल प्रीमियम के लिए 5 ईयर्स होगा। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स दोनों के लिए है, सिंगल प्रीमियम के लिए भी 25 ईयर्स है और रेगुलर लिमिटेड प्रीमियम के लिए भी 25 ईयर्स है। प्रीमियम पेइंग टर्म रेगुलर के लिए यानी लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के लिए 3 ऑप्शंस है आपके पास, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स और 7 ईयर्स, और सिंगल प्रीमियम में आप एक बार देंगे सिंगल प्रीमियम। मिनिमम बेसिक सम एश्योर जो होगा वो 2 लाख का होगा, कम से कम 2 लाख की पॉलिसीज में ली जा सकती है, और मैक्सिमम आप जितनी चाहे दे सकते हैं वो उसके इनकम पर डिपेंड करती है। बेसिक सम एश्योर्ड इसमें 2 लाख होगा और ये मल्टीपल ऑफ 25,000 का होगा,
यानी 2 लाख से जब आप अधिक सम एश्योर्ड लेंगे तो वो 25,000 के मल्टीपल पर होनी चाहिए, लेकिन ये 24 लाख तक ही होगी। और 24 लाख से अधिक यदि आप सम एश्योर्ड लेते हैं तो फिर वो मल्टीपल ऑफ 50,000 होनी चाहिए। इस पॉलिसी में सरेंडर और लोन दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। यदि लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन चूज किया है, रेगुलर प्रीमियम वो देता है, तो फिर 2 वर्ष के बाद वो पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकता है। लेकिन वह सरेंडर नहीं करता है और पेडअप अवस्था में छोड़ देता है, तब उस पर गारंटेड एडिशन ऐड होंगे। कितनी गारंटेड एडिशन ऐड होंगे उसको आइए देख लेते हैं। यदि वह पॉलिसी को 2 वर्ष चलाकर छोड़ देता है तो 5 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 15 रुपये प्रति वर्ष प्रति 1,000 पर ऐड होंगे। 6 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 9 रुपये ऐड होंगे और 7 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 6 रुपये ऐड होंगे। उसी प्रकार से यदि 3 वर्ष चलाकर छोड़ देता है तो 5 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए प्रति वर्ष 33 रुपये ऐड होंगे। 6 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 23 रुपये ऐड होंगे और 7 वर्ष प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 16 रुपये ऐड होंगे। उसी प्रकार से 4 वर्ष यदि चलाकर वो छोड़ देता है तो 5 वर्ष प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 54 रुपये प्रति वर्ष प्रति 1,000 पर ऐड होंगे। 6 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 39 रुपये ऐड होंगे और 7 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 28 रुपये ऐड होंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग टर्म तक चलाकर छोड़ने पर अलग अलग तरह से इसमें ऐड होते हैं। इस पॉलिसी में लोन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 2 वर्ष के बाद वो कभी भी इसमें से लोन ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसने कितना टर्म चूज़ किया है, कितना सम एश्योर्ड चूज़ किया है, कितना प्रीमियम उसने पे किया है। तो 2 वर्ष के बाद वो लोन ले सकता है लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म रेगुलर के लिए। और यदि उसने सिंगल प्रीमियम दिया है, एक मुश्त राशि पेड की है, तो वो 3 महीने के बाद कभी भी इसमें से लोन ले सकता है। इसकी एक खास बात ये है कि यदि फीमेल चाइल्ड पर यदि आपने पॉलिसी ली है तो लोन के इंटरेस्ट कम लगेंगे। यदि किसी कारणवश पॉलिसी वह नहीं चला पाता है और पॉलिसी पेडअप अवस्था में चली जाती है या लैप्स अवस्था में चली जाती है तो फिर 5 ईयर्स तक उसके हाथ में समय होता है। 5 ईयर्स तक वो उसको रिवाइव कर सकता है, उसको चालू कर सकता है। जितने दिनों से पॉलिसी बंद थी, चालू करने के बाद वो गारंटेड एडिशन फिर उसके साथ ऐड हो जाएंगे। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, जितने दिनों का आपने टर्म लिया है उतने समय पर आप यदि पॉलिसी उठाते हैं, पॉलिसी लेते हैं, और जितने दिनों का प्रीमियम पेइंग टर्म आपने चूज़ किया है उतने दिन तक आप प्रीमियम पे करते हैं, तो फिर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट दी जाती है। और मैच्योरिटी बेनिफिट बेसिक सम एश्योर्ड होता है और साथ में जो उसमें गारंटेड एडिशन ऐड होते हैं ये जोड़कर दे दी जाती है। गारंटेड एडिशन 80 रुपये प्रति 1,000 पर प्रति वर्ष ऐड होते हैं सम एश्योर्ड के साथ, और ये दोनों ऐड करके मैच्योरिटी के समय दी जाती है। इसको आगे एग्जाम्पल में समझाई जाएगी। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। हर इंश्योरेंस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट प्राप्त होती है। इसमें PWB का ऑप्शन है, यानी कि प्रपोजर को अगर कुछ हो जाता है तो फ्यूचर प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं और वो सारे बेनिफिट बच्चे को प्राप्त होंगे जो इस पॉलिसी के साथ अटैच होते हैं। और यदि लाइफ एश्योर्ड की डेथ होती है, यानी बच्चे की डेथ होती है, और बच्चे की उम्र यदि 8 वर्ष से कम है और पॉलिसी को भी 2 वर्ष नहीं हुआ है, यानी कि उसकी इंश्योरेंस चालू नहीं हुई है, तो फिर जो प्रीमियम पे किया है वो रिटर्न कर दिए जाएंगे। लेकिन यदि उसका इंश्योरेंस चालू हो गया है, रिस्क कवर चालू हो गया है, तो पूरी डेथ बेनिफिट प्रदान की जाती है। बच्चे का रिस्क कवर चालू होने की दो शर्तें होती हैं, या तो पॉलिसी 2 वर्ष पूरी हो जाए या बच्चे की उम्र 8 वर्ष हो। 8 वर्ष या उससे अधिक बच्चे की पॉलिसी जब आप लेते हैं तो रिस्क कवर साथ ही साथ चालू हो जाता है। लेकिन यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो 2 अवस्था में रिस्क कवर चालू होती है। या तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष हो जाए, यानी 7 वर्ष है तो 1 वर्ष के बाद चालू हो जाएगी, या फिर पॉलिसी की 2 वर्ष हो जाए। यदि आपने 2 वर्ष के बच्चे की पॉलिसी ली है तो फिर जब उसकी उम्र 4 वर्ष होगी तब रिस्क कवर उसकी चालू हो जाएगी। और इसमें डेथ बेनिफिट के 4 ऑप्शंस होते हैं। 2 ऑप्शंस लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाले यानी रेगुलर प्रीमियम के लिए होते हैं और 2 ऑप्शंस सिंगल प्रीमियम पेमेंट के लिए हैं। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम होगा या फिर बेसिक सम एश्योर्ड होगा, जो भी हायर होगा वही डेथ बेनिफिट प्रदान कर दिया जाएगा। और ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम होगा या फिर बेसिक सम एश्योर्ड होगा, दोनों में जो हायर होगा वही डेथ बेनिफिट प्रदान किया जाएगा। सिंगल प्रीमियम के लिए ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 3 में 1.25 टाइम्स ऑफ द सिंगल प्रीमियम या फिर बेसिक सम एश्योर्ड, जो हाईएस्ट होगा वही प्रदान कर दिया जाएगा। और ऑप्शन 4 में 10 टाइम्स ऑफ द सिंगल प्रीमियम ये प्रदान कर दिया जाएगा डेथ बेनिफिट के रूप में, ये सिंगल प्रीमियम का है। तो ये हो गई डेथ बेनिफिट।
अब मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में भी ली जा सकती है, इसके लिए आपको प्रपोजल के साथ ही एडेंडम साइन करनी होगी और साथ ही इसमें हायर सम एश्योर्ड पर रिबेट की भी व्यवस्था है, यानी जब हायर सम एश्योर्ड आप लेते हैं तो उसमें आपको प्रीमियम पर कुछ छूट मिलती है। अब आइए एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट किस प्रकार से प्राप्त की जाएगी। यदि आप किसी बच्चे के नाम पर 10 वर्ष का बच्चा है और उसके लिए आपने 10 वर्ष का टर्म लिया है तो 20 वर्ष पर मैच्योरिटी होगी। अब 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड पर प्रत्येक वर्ष 80 रुपए प्रति 1000 के हिसाब से, यानी कि 80,000 रुपए प्रति वर्ष उसके सम एश्योर्ड के साथ ऐड होते जाएंगे और 10 वर्ष में ये 8 लाख रुपए हो जाएंगे और जब मैच्योरिटी होगी यानी 20 वर्ष में उसको ये 8 लाख और प्लस 10 लाख 18 लाख रुपए रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से 10 लाख के सम एश्योर्ड पर 18 लाख रुपए उस बच्चे को प्रदान किए जाएंगे। इस बीच यदि पीडब्ल्यूबी ली जाती है और प्रपोजर को कुछ हो जाता है तो जब भी प्रपोजर का डेथ होता है प्रीमियम माफ हो जाएगा और ये 18 लाख रुपए उसके बच्चे को अवश्य मिलेंगे। यदि बच्चे को कुछ होता है और उसकी इंश्योरेंस चालू हो गई है तो फिर जितने का सम एश्योर्ड है या फिर जो डिफरेंट कैलकुलेशंस बताए गए डेथ बेनिफिट के उसमें जो भी हाईएस्ट होगा वो नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स को इसमें बेनिफिट वैसे ही प्रदान होते हैं जो कि एक एंडोमेंट प्लान में होते हैं। जितने वर्ष के लिए एंडोमेंट प्लान में प्राप्त होते हैं बेनिफिट्स उसी प्रकार से इसमें बेनिफिट्स कैलकुलेट होंगे। उम्मीद है इस प्लान के सारे डिटेल्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।